केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के देश भर में विरोध और छात्र आंदोलन के चलते भिंड पुलिस अलर्ट पर है। सुबह से ही पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस अधिकारी सुबह से ही शहर में भ्रमण कर रहे हैं और छात्रों को शांति बनाए रखने की समझाइश दी जा रही है। शहर में कोचिंग संचालित करने वाले संचालकों को भी समझा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी कल शाम को वीडियो जारी कर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। गौरतलब है कि अग्निवीर योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, जिससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रह गया। भिंड के सीमावर्ती जिले ग्वालियर में भी कल छात्रों के द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने सुबह से ही खुद सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला और आगे आए। जिले भर का पुलिस बल मुस्तैदी से ड्यूटी पर है और ऐसी जगह पर कम्बिंग कर रहे हैं जहां सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के इकट्ठा होने की संभावना है। शहर की हाउसिंग कॉलोनी के कोचिंग सेंटर और MJS स्टेडियम पर सुबह से ही पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है और वो लोगों को शांति बनाए रखने की समझाइश दे रहे हैं। मेरा भिंड जिले के सभी ऐसे नवयुवक जो आर्मी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वर्तमान में अग्निपथ जो स्कीम है, जिसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां व अफवाहें प्रचलन में हैं, उस पर कतई ध्यान ना दे, किसी के अनुचित बहकावे में ना आए। और वर्तमान में जो कई जगह पे इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिससे कि संपत्ति का नुकसान हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, उससे आप लोग हटें, उससे बचें, इस तरह की स्थिति ना निर्मित करें। अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण तरीका होता है, जिसके माध्यम से आप में से कई लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, जिन पर वर्तमान में विचार विमर्श हो रहा है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में संलिप्त ना हो। ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होने से, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से या नुकसान होने से आगे की जो कार्रवाई होती है, जिसमें FIR वगैरह हो सकती है।